हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी एयरब्रश ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सर्वप्रथम अपने गैलरी से सिंपल से पिक को, ओरिजिनल पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये है अपना सिंपल सा ओरिजिनल पिक, जिसे अपन आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में येलो टोन फोटो एडिटिंग प्लस दोस्तों कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अपन आज के इस वीडियो में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं तथा येलो टोन बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो अपने सिंपल से पिक को दोस्तों आपको शेयर करके ओपन कर लेना है एयरब्रश ऐप के अंदर। एयरब्रश ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एयरब्रश ऐप के अंदर इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे की तरफ से स्मूथ का ऑप्शन नजर आ रहा है, 5 नंबर ऑप्शन, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से हैवी के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है तथा दोस्तों आपको अपने फेस पर कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है। आप देख सकते हो दोस्तों, ब्रश चलाने पर कुछ इस प्रकार से अपना फेस स्मूथ होने लगेगा तथा दोस्तों ब्रश के दाग भी नहीं होंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है, जिससे दोस्तों ओसम तरीके से आपका फेस स्मूथ होने लगेगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। आप देख सकते हो, ब्रश चलाने पर दोस्तों ऑटोडिस्क स्केचबुक ऐप की तरह दोस्तों ब्रश के दाग नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आप फेस को स्मूथ करने के लिए इसी ऐप को यूज करें। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका फेस बहुत आसान तरीके से तथा दोस्तों कुछ इस प्रकार से स्मूथ होने लगेगा। तो दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको प्रीसेट PNG एंड बैकग्राउंड का लिंक दोस्तों आपको फ्री में डाउनलोड किए मिल जाएंगे। जाइए और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं इसे कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका ओसम तरीके से फेस स्मूथ हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। आपको अपने फेस को गोरा करने के लिए दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्किन टोन का। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको कलर्स के अंदर कुछ इस प्रकार से एक वाइट सर्कल मिल जाएगा। इस सर्कल को दोस्तों आपको लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ कॉर्नर में रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है तथा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फोटो पर ब्रश चलाना है, जिससे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से फेस गोरा होने लगेगा। आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपने स्किन एंड फेस पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेना है, जिससे दोस्तों आपका फेस कुछ इस प्रकार से गोरा होने लगेगा। जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इस प्रकार से दोस्तों आपको इस सेटिंग को रखते हुए कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे दोस्तों आपका भी फेस कुछ इस प्रकार से गोरा होने लगेगा तथा आपका भी फोटो कुछ इस प्रकार से एडिट होने लगेगा। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे दोस्तों आप इसे आपका भी फोटो कुछ इस प्रकार से एडिट कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को कुछ इस प्रकार से गोरा कर लेना है। फेस एंड स्किन को दोस्तों आपको ब्रश चला के गोरा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से कुछ इस प्रकार से
नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से सेकंड नंबर ऑप्शन नीचे एक तरफ टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से स्क्रॉल करना है, आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा इनहेंस का। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको थर्ड नंबर ऑप्शन सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करना है तथा दोस्तों आपको 20 के अराउंड रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको हाईलाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा फोर्थ नंबर, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा हाईलाइट्स को कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको 6 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप आगे की तरफ स्क्रॉल करना, आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा ब्राइटनेस को कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको 30 के अराउंड रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फोटो पर कुछ इस प्रकार से इरेजर चला लेना है, जिससे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से पहले की तरह फोटो हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्नैपसीड ऐप की तरह इसमें व्यू एडिट्स नहीं है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर इरेजर के ऑप्शन पर कुछ इस प्रकार के क्लिक करके इरेजर चला लेना है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फोटो को जूम करना है तथा कुछ इस प्रकार से आपको अपने फेस एंड स्किन पर इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार से फेस गोरा होने लगेगा, वाइट होने लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको इस सेटिंग को रखते हुए ब्रश चलाना है, जिससे दोस्तों आपका फेस एंड स्किन गोरा होने लगेगा। केवल दोस्तों आपको इसे अपने फेस एंड स्किन पर ही अप्लाई करना है, इसे दोस्तों आपको अपने हेयर पर अप्लाई नहीं करना है। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ओसम तरीके से अपना फेस गोरा होने लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको भी यह सेटिंग रखते हुए कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेना है। चलिए दोस्तों मैं इसे चला लेता हूँ, फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फेस गोरा हो चुका है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ से फोर्थ नंबर ऑप्शन मेकअप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा लिप्स का, सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से लिप्स को कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ तथा दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा PK02। सिंपली से दोस्तों आपको इस लिप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तथा कुछ इस प्रकार से इसके अमाउंट को दोस्तों आपको लिप्स के अनुसार रख लेना है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका लिप्स का कलर टोन भी कुछ इस प्रकार से चेंज हो चुका है तथा लिप्स पर कुछ इस प्रकार से कलर आ चुका है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से अपने बैकग्राउंड को दोस्तों येलो टोन में करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ से दोस्तों आपको क्रिएटिव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन बैकग्राउंड का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल रहा होगा। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको अपने गैलरी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, उस बैकग्राउंड को दोस्तों आपको ले लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका बैकग्राउंड केवल गैलरी से ऐड करने पर चेंज हो जाएगा। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका येलो टोन में बैकग्राउंड चेंज हो चुका था दोस्तों आपका फेस स्मूथ हो चुका है, गोरा भी हो चुका है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से अपने हेयर पर दोस्तों ऑयली इफेक्ट डालने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से इस फोटो को यहाँ से HD क्वालिटी में सेव करके दोस्तों आपको शेयर करके ओपन कर लेना है टूलविज ऐप के अंदर। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली से राइट साइड से ऊपर की तरफ डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे दोस्तों आपका फोटो कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको सिंपली से अपने हेयर पर ऑयली इफेक्ट डालने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से अपने पिक को शेयर करके ओपन कर लेना है टूलविज ऐप के अंदर। टूलविज ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे एक तरफ इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। सिंपली से दोस्तों आपको इसके अंदर सॉफ्ट स्मज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। सिंपली से दोस्तों आपको 6 नंबर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर ऑप्शन मास्क के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
मास्क के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पर क्लीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है तथा कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है तथा दोस्तों आपको अपने हेयर पर कुछ इस प्रकार से ऑयली इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाने पर आपके हेयर पर कुछ इस प्रकार से ऑयली इफेक्ट ऐड होने लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ब्रश चलाते हुए काफ़ी आसानी से अपने हेयर के अंदर दोस्तों ऑयली इफेक्ट ऐड कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाना है तथा दोस्तों आपको अपने हेयर पर ऑयली इफेक्ट इस प्रकार से दोस्तों आपको अप्लाई कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से इस टूल्स के माध्यम से दोस्तों आप अपने हेयर पर दोस्तों ऑयली इफेक्ट ऐड कर सकते हो तथा दोस्तों काफ़ी आसान तरीके से अपने फोटो को आप एडिट कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका फोटो HD क्वालिटी में एडिट हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। इसे HD क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ से राइट साइड से सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।